दोस्तों, क्विक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि है सीबीएसई क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कम्प्लीटली बताऊंगा कि आखिर वो अपडेट है क्या। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ ही जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके सामने एक बेल का आइकन शो होगा। उस बेल के आइकन पर को भी आप क्लिक करें और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी हम कभी न्यू अपडेट लेकर के आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर वो अपडेट है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी हमारे देश में कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन, जो कंडीशंस अभी चल रही हैं, जिसके कारण आप सभी देख रहे हैं कि क्लासेस हर जगह पे, स्कूल्स कॉलेजेस का क्लोज हो चुका है कम्प्लीटली अभी फॉर द टाइमिंग। और अभी खुलने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि स्कूल्स कॉलेज कब खुलेंगे। यही सारी स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने जो है कि अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कंप्लीट जो है कि सीबीएसई का क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो आपको अगर सिलेबस चेक करना है, कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट आपको अवेलेबल है, ये वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, कहाँ से, कैसे उसको कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीबीएसई की वेबसाइट cbseacademic.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा, विजिट करना होगा। ठीक है, आप इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, जहां पर भी आपका फिजिबल हो, आप वहां पर इसको अपने कोई भी ब्राउजर ओपन करके इस वेबसाइट में विजिट करें। जैसे ही आप इस वेबसाइट में विजिट करेंगे, आपके सामने इस तरह का यहाँ पर पेज ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नोटिस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एकेडमिक सेक्शन के अंदर में आपको क्लिक करना है। और जो यहाँ सबसे पहला जो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21 सर्कुलर और लिंक टू रिवाइज्ड करिकुलम। यानी यहाँ पर आपको दो लिंक अवेलेबल हैं, पहला है कि सर्कुलर का लिंक है और दूसरा लिंक जो है वह है आपका रिवाइज्ड करिकुलम का। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने दोनों लिंक अपने यहाँ पर टैब पर ओपन किया हुआ पहले से ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर का जो है यहाँ पर क्या है दिया हुआ। तो कि यह इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेट 7 जुलाई 2020 के बारे में जो है कि दिया हुआ है, रिलीज़ है 7 जुलाई 2020 को रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर यह नोटिफिकेशन दिया गया है ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन अफिलेटेड टू सीबीएसई। तो जो भी सीबीएसई के हेड्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हेड्स हैं, उनको यह नोटिस जारी किया गया है। सब्जेक्ट जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर द सेशन 2020-21। तो यहाँ पर अगर आप कम्प्लीटली इस नोटिस को अगर आप यहाँ पर रीड आउट करेंगे, तो इसका जो है कि मैं समरी आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ। कम्प्लीटली अभी यही नोटिफिकेशन अपडेट आई हुई है कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, ओके, कोरोना कोविड-19, इसके कारण जो है कि क्लासेस 9 से लेकर के 12 तक का एकेडमिक सेशन 2020-21 का सेशन जो है कि उसमें सीबीएसई ने जो है कि अपने कमेटी के थ्रू क्या किया है कि सिलेबस को जो है कि उन्होंने रिड्यूस किया है अपने कमेटी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसका जो है कि सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। यहाँ पर आप नीचे आकर के यहाँ पर जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर उन्होंने साथ ही एक और एक भी मेंशन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि द हेड्स ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स मे इंश्योर दैट द टॉपिक्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड आर ऑल्सो एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर उन्होंने साथ ही इसमें बताया हुआ है कि कम्प्लीटली कि जैसे जो भी टॉपिक्स उन्होंने हटा दिए हैं अभी सिलेबस से, वैसे टॉपिक्स जो है कि अगर कोई भी और दूसरा टॉपिक जहां पर उसको कनेक्ट करना हो, जहां पर उसका रिक्वायरमेंट हो, वैसे टॉपिक्स को जो है कि हेड्स ऑफ स्कूल या फिर टीचर्स जो है कि वो इंश्योर कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं जो टॉपिक को उन्होंने अभी रिमूव किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउएवर द रिड्यूस्ड सिलेबस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द NCERT ऑन ट्रांजेक्टिंग द करिकुलम यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में ऑल्सो बी पार्ट ऑफ टीचिंग के लिए जो मेथोडोलॉजी जो अभी यूज़ हो रहा है उसके लिए कि NCERT के द्वारा भी जो भी रिलीज किया जाएगा वो भी जो है उसको आपको इंक्लूड करके वर्क इट आउट करना है। फॉर एलिमेंट्री क्लासेस 1 to 8 स्कूल्स में फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड लर्निंग आउटकम स्पेसिफाइड बाई NCERT। तो जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं यानी क्लास 1 to 8 है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि स्कूल्स जो है कि वो फॉलो कर सकते हैं जो कि NCERT के थ्रू जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, स्पेसिफाइड है, उसको आप अल्टरनेटिव कैलेंडर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है जिसके थ्रू जो है आप क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो रिवाइज सिलेबस है आप उसको चेक इट आउट कर सकते हैं।
तो ये कम्प्लीटली सर्कुलर जो है कि अभी CBSE ने रिसेंटली जारी किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस आखिर रिड्यूस सिलेबस कहाँ से आपको कैसे मिलेगा। तो जैसे कि जो हमने प्रीवियस लिंक यहाँ पर सेकेंड लिंक जो देखा था, लिंक टू रिवाइज करिकुलम, इसमें आपको क्लिक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो मैं टैब में आता हूँ। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप हेडिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवाइज करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लास 9 से लेकर के 10 का और 11-12 का। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि इनिशियल पेजेस है, रिवाइज लैंग्वेज ग्रुप एल है, सारा डिटेल्स यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर मेन हैं, उसी तरह से कम्प्लीट और भी सब्जेक्ट्स, जो भी कम्प्लीट आपका सब्जेक्ट्स है आप यहाँ पर कम्प्लीटली उसको चेक इट आउट करके देख सकते हैं, और आप रिवाइज सिलेबस को जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी तरह से जो है कि क्लास 11 और 12 के लिए भी जो है यहाँ पर आप बटन में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर कम्प्लीटली एक्सपेंड हो जाएगा, और इस तरह से जो है कि आपके यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप इन सारे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो है डिलीटेड पोर्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डिलीटेड किए गए हैं, कोर्स क्रिटिक एरियाज हैं, राइट। सारे एरियाज जो है कि आप यहाँ पर कम्प्लीटली जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इस तरह से सिलेबसेस को, कि क्या लेटेस्ट सिलेबस है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स कोई भी क्लास 10 में हैं, आप उन्हें भी क्लास 9 में, 10 में या फिर 11th या 12th में हैं, तो आप उन्हें भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपना सिलेबस जो है कि डाउनलोड करके देख सकें कि लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस क्या है, और उसके बेसिस पे वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू।